अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी का, जो विनस टीवी पे आप देखते हैं, आगाज़ करती हूँ। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्यों ना हो, आज 13 रजब है, मौला अली की विलादत है। बात करूंगी मैं उस अजीम हस्ती की, तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे उस शख्सियत के बारे में, उस हस्ती के बारे में जिक्र की तौफीक दी, जिसे कहते हैं, जिसका जिक्र करूंगी तो ये कहूंगी फातह खैबर दामादे रसूल, और मैं कहूंगी शहरे बतूल, चीफ जस्टिस ऑफ रियासत मदीना। जिक्र करूंगी मुशीरे अबू बकर उमर उस्मान, खिलाफते राशदा के चौथे माहो मुनीर, अमीरुल मोमिनीन शहनशाह रूहानियत, बाबुल इल्म तलवार, तलवार के धनी और दिल के गनी, शुजात के जबले ओहद, हसनैन करीमैन के जन्नत के दरवाजे, बादशाह इल्मो करम आशिक के शाह उमम, मौला मुश्किल कुशा, परवरदाए आगोश रिसालत हैदर करार, हजरत सैयद हजरत मौला अली करमुल्लाह वजा, जिनका आज यौम विलादत है। और जब मैं बात करूंगी इस्लामी इस्लाम की रास्तों के हुक्मरानों के लिए, हज़रत अली की ज़िंदगी एक ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा मैसेज है हमारे लिए कि जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हमें एक रास्ता मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करूं तो जब उन्होंने कहा कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो हज़रत अली करमल्ला वजह ने यह साबित किया कि जब उनके जिस्म से नेजा निकाला गया तो उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि वो अल्लाह का, अल्लाह के बहुत ही महबूब तरीन बंदे थे। तो हम जिक्र करेंगे आज उस हस्ती की, जिसके बारे में जब भी जिक्र आता है तो हमारे लिए एक रास्ता निकलता है हमारे इस्लाम का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म हूँ और मौला अली उसका दरवाज़ा। आज हम जश्न विलादत मौला अली मना रहे हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ, और मेरी यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी बहनें मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती हैं आपको खुश आमदेद। और आज मौला अली का जश्न विलादत है और लोग अपने घर में शिरनी न्याज नजर न्याज कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और मैं आज अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में मेरी प्यारी प्यारी बहनों के साथ आज जिक्र मौला अली करेंगे और उनकी विलादत की बात करेंगे। और आज जो गुफ्तगू होगी वो बड़ी एक, हमें एक मैसेज मिलेगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और उनकी आल में से हैं, जो उनका जिक्र होगा। तो आज यहाँ पर जो मौजूद है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं और ये हैं आलमा जाकरा सैयदा महपारा जैदी। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, और आज हमने जिक्र करना है, तो इजाज़त है, मौलूद काबा का दिन है, तो मैं उस हवाले से ये कहना चाहूँगी इमामुल मुत्तकीन के बारे में, एजाज पैदा होने से पहले दिखा दिया, एजाज पैदा होने से पहले दिखा दिया, पुश्ते हरम में एक नया दर बना दिया। और हैदर के इस तसर्रुफे काबा ने ए अशरफ, हैदर के इस तसर्रुफे काबा ने ए अशरफ, हम मालिक हरम हैं जहाँ को बता दिया। सबसे पहले शुक्रगुजारी उस पाक परवरदिगार आलम की कि जिसने हम सबको जिक्र हैदर करार करने की तौफीक अता फरमाई।
ज़िक्र हैदर करार खुद परवरदिगार आलम को महबूब और मतलूब है। अली का ज़िक्र इबादत है और अली का ज़िक्र बज़ात खुद बंदगी परवरदिगार है। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र करना इबादत है। दरअसल ज़िक्र हैदर हम सब को बारगाह खुदावंद तक, खुदा की बारगाह तक पहुँचाता है। हमारे कलामा अल्लामा तालिब जौहरी साहब अलैहिर्रहमा परवरदिगार आलम उनकी कब्र के ऊपर अपनी नेमतें अपनी रहमतें नाजिल फरमाएं। आप पंजाब में थे और आप मौला कायनात की फजीलत बयान कर रहे थे, तो मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ, एक बुजुर्ग खड़े हुए और कहने लगे कि मौलाना साहब आज आपने हद से बढ़ा दिया। अल्लामा साहब मुस्कुराया, मुस्कुरा कर कहने लगे आप हद मुतय्यन कर दीजिए, हम फजाइल को बढ़ाना छोड़ देंगे। क्या बात। और झूठ पर हम सच का कब रंग चढ़ा देते हैं, झूठ पर हम सच का कब रंग चढ़ा देते हैं, जो कहा हक ने वो जमाने को सुना देते हैं। हमको हैदर के फजाइल की कोई हद ना मिली, उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। उस परवरदिगार आलम का एहसान है कि आज हम सब इस पुरनूर महफिल जिसमें जिक्र हैदर करार जो कि एक बाबरकत जिक्र है, मैं कहती हूँ एक नूरानी जिक्र है, और वैसे भी रजब का महीना जो कि नूर का सिलसिला है, 13 रजब तक बहुत ही, यानी आज 13 रजब बहुत ही मुबारक महीना है, तो लाखों दुआओं की एक ही दुआ कि परवरदिगार आलम जब तक जिंदा रहें विलायत हैदर करार में ये जबान हमारी चलती रहे। अली अलैहिस्सलाम के बारे में जनाब रसूल खुदा नाज़िश अरबो अजम आमना किलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दुनिया के सारे दरख कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं, जिन्नात हिसाब करें, इंसान लिखने बैठ जाएं, जब भी फजाइल अली इब्न अबी तालिब का शुमार ऐसा कर ही नहीं सकते। और कायनात में दो ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इंसान शुमार नहीं कर सकता। सूरह नहल में और सूरह इब्राहिम में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मेरी नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज फजाइल अली इब्न अबी तालिब, जमाना बांझ है, अली इब्न अबी तालिब की कोई और मिसाल खल्क नहीं कर सकता, जमाने में वो वसत ही नहीं कि अली अलैहिस्सलाम की कोई और दूसरी मिसाल ला सके। और ये सारी हमारे इश्क की बात है, हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, और मजहरे सिफाते जली हो नहीं सकता। मतोल इसे अकल के मीजान में वाइज, जो अकल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में गौर करें तो फजाइल का ऐसा समंदर और मारिफ यानी मारिफत के ऐसे जौहर हम सब की आंखों के सामने खुलते चले जाएंगे। विलादत मौला कायनात आज का दिन है, मौला अली की विलादत का वक्त करीब था। मैं और आप हम सब जानते हैं कि अगर कोई औरत इस कैफियत में हो जबकि उसके घर विलादत होने वाली हो, तो वो मोहल्ले की किसी आम मस्जिद में भी कदम नहीं रखेगी। बताएं, रखेगी नहीं, कभी भी नहीं रखेगी, हो ही नहीं सकता। लेकिन मादर हैदर करार शहजादी फातिमा बिन तैसा, जिन पे हमारा लाखों दरूद सलाम, उन शहजादी ने खाने काबा का तवाफ करना शुरू किया, खाने काबा की दीवार ने लरजना शुरू किया। अभी मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर यहाँ पे कोई दीवार लरसने लगे तो बताइए क्या होगा, सब भाग जाएंगे भाई, सब भाग जाएंगे, बिल्कुल। वो भी फरार कर जाती हैं अगर गैर फरार की माँ होती, ऊपर ही ना गिर जाए, बिल्कुल। लेकिन वो हैदर करार की माँ थी। दीवारे काबा ने एक दर बनाया और शहजादी बिला झिझक खाने काबा में दाखिल हो गई। इसको मैं इस तरह से कह देती हूँ, रजब की 13 तारीख थी, फातिमा बिनते असद साहिब उलिल अम्र को बतने मुकद्दस की पाको पाकिजा चादर में छुपाए, अतात के कदम बढ़ाती हुई अलियुलाला के घर पहुंची। गोदरे काबा बंद था मगर खैबर शिकन को देखकर दीवारे काबा ने एक नया दर बनाया और फातिमा बिनते असद बिला झिझक काबे के अंदर दाखिल हो गईं। खाने खालिक में नूर चमका, हातिफ की आवाज आई, इस नूरे विलायत पर अल्ताफ़े दिली रखना, इस नूरे विलायत पर अल्ताफ़े दिली रखना, ऐ फातिमा बच्चे का तुम नाम अली रखना। अभी भी खुदा दुआ कर रहे थे परवरदिगार आलम से कि मेरे महबूब तू मुझे मेरा जोरे बाजू अता कर, तू मुझे मेरा कुव्वत बाजू अता कर। और कहते हैं, थोड़ा सा मैं ये बताती चलूं, जब शहजादी आमना के यहाँ जनाब रसूल खुदा की विलादत होने वाली थी, तो शहजादी फातिमा बिनते असद जो मादर हैदर करार हैं, आप फरमाती हैं कि मैं वहां पर
जनाब आमना के पास मौजूद थी, यानी उनके उस हुजरे में मौजूद थी जहाँ पे हमारे हबीब की, हमारे नबी की, सुल्तान अम्बिया की, सरताज अम्बिया की विलादत का वक्त करीब था, मैं वहाँ मौजूद थी। फातिमा बिनत असद फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने आसमान के दरीचों को खुलते हुए देखा, सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के बागात को देखा, मैंने वहाँ के दरख्तों को देखा, मैंने कौसर का किनारा देखा, मैंने सलसबील का छलकना देखा, मैंने वहाँ के परिंदे देखे, मैंने याकूत के और जमरुद के महलात देखे, फिर मैंने चंद खवातीन को, अजीम तरीन शहजादियों को शहजादी आमना के हुजरे में उतरते हुए देखा, जो कि जनाब हाजरा, जनाब हव्वा, जनाब आसिया, खोहरे जनाब मूसा, जनाब कुलसूम जिनका नाम था, कहती हैं चारों बीवियों ने आकर शहजादी को घेर लिया। उसके बाद हूरों ने उतरना शुरू किया और हूरें उतरती जाती थीं, अपना अपना तारुफ कराती जाती थीं। कहती हैं जब विलादत नाज़िश अरब अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे हबीब खुदा की विलादत हुई तो खुशी से शहजादी फातिमा बिनत असद उस हुजरे से बाहर आईं। जब अब बाहर आईं तो सामने सरदार अरब जनाब रसूल खुदा के चचा जनाब अबू तालिब बैठे थे। जैसे ही शहजादी फातिमा बिनत असद हुजरे से बाहर आईं, जनाब अबू तालिब ने शहजादी का चमकता हुआ चेहरा देखा और मुस्कुराकर फरमाने लगे, आपके चेहरे की खुशी बताती है कि अल्लाह ने आमना को बेटा अता किया। सुभान अल्लाह। शहजादी फातिमा बिनत असद मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फरमाने लगी कि बेशक परवरदिगार आलम ने आमना को चांद जैसा बेटा अता किया। उसके बाद जनाब अबू तालिब ने फरमाया, फातिमा बिनत असद तुम्हारी पेशानी का नूर बता रहा है कि इस बच्चे के 30 साल के बाद परवरदिगार आलम तुम्हें हूबहू आमना के लाल जैसा बेटा अता करेगा। और एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, एक ने रिसालत पाई तो दूसरे ने इमामत पाई, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक का हुस्न देखा था तो दादा ने नाम मोहम्मद रखा था, बेशक सुभान अल्लाह, और दूसरे का जमाल देखा था तो चचा ने नाम हैदर करार रखा था। मौलाए कायनात इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन सैयदुल वसीन, जो कि हम सब के मोमिनीन के अमीरुल मोमिनीन हैं, इमाम हैं, जो अबुल यतामा व मसाकीन हैं, जो हादी हैं, जो हैदर करार हैं, जनाब जाफर के बिरादर हैं, जो नफ्सुल्लाह हैं, वजुल्लाह हैं, करमुल्लाह हैं, जो नफ्सुल्लाह हैं, मोहब्बत अली रहमतुल्लाह और बुग्ज अली लानतुल्लाह। अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया, या अली तेरी मोहब्बत तेरी हुब ईमान है, तो उससे बुग्ज अनाद कुफर है। और कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं कि जिसमें परवरदिगार आलम ने मौला अली के जिक्र को पसंद ना फरमाया। परवरदिगार आलम ने इस जिक्र को बहुत पसंद किया और यही वजह है कि अली का जिक्र बंदगी बजाते खुद बंदगी परवरदिगार है, क्योंकि जिक्र अली मुझे और आपको बारगाह खुदावंद तक पहुंचाता है, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता है। जिक्र हैदर करार करके हम अपने माबूद के करीब हो जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। या अली इब्न अबी तालिब का मुख्तसर सा तारुफ जो मैंने आपके सामने पेश, माशाल्लाह, मैं आपसे, मेरा दिल कर रहा था जैसे आप बोलती रहे हो, मैं सुनती हूँ, क्योंकि मौला अली का जिक्र ही ऐसा है। बेशक बेशक। हमारे साथ मेरी प्यारी बहन भी मौजूद है और मेरी दूसरी बहन भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी आपका तारुफ करवाती हूँ। यहाँ पर सैयदा हिरा शिराजी मौजूद हैं और ये मजहबी स्कॉलर भी हैं, ज़ाकरा बैद भी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। कैसी हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपकी खिदमत में, तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में हदिया तब्रीक मुबारकबाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुश्किल कुशा शेर खुदा हाजत रवा शाह फ़ता वलीउल्ला वसी रसूल सकलैन कलीमत रहमान मुफस्सिर कुरान वसी आखिर सिरात मुस्तकीम नबाए अजीम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कायनात में आमद की बेहद मुबारकबाद। और मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने इस जश्न का अहतमाम किया, इस महफिल का अहतमाम किया। इसके पसे पर्दा पसे पुश्त जो लोग हैं, मौला उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए। तमाम आलम इस्लाम मिलकर आज उस हस्ती का जश्न मनाए जिसके लिए कहा गया, मौला अली शऊर बशर फिक्र अर्जुमंद, डाली है जिसकी सोच ने अफलाक पर कमंद, छिड़का है जिसने मौत के चेहरे पे जहर कंद, और जो नुक्ता उरूज फिरो उसूल है, बिस्तर पे सो गया तो मुकम्मल रसूल है, और ऐसा करीम जिसके करम की नहद मिले, ऐसा अलीम इल्म को जिससे मदद मिले, ऐसा सलीम जिसमें शऊर समद मिले, और दुनियाओं दी में जिसको वो नामो लकब मिला, खालिक की बारगाह से हैदर लकब मिला। सुभान अल्लाह। और जब हम देखते हैं, जैसे अभी तस्किरा फरमाया
कि इमाम अली की काबे में आमद, इमाम अली जाहिर है कि आज हम हमारे जो जज्बात हैं उसकी जो है वो एक मेराज की सी कैफियत है, क्योंकि आज का जो दिन है इम्तियाजी हैसियत मौलाए कायनात को सारे आलम इस्लाम में ये हासिल है कि आपकी आमद खाना काबा बैतुल्लाह अल्लाह के घर में हुई। इमाम अली को ये एजाज हासिल है कि जब आप कायनात में तशरीफ लाए तब भी अल्लाह के घर में आए, और जब आप कायनात से रुखसत हो गए तब भी मस्जिद कूफा अल्लाह के घर से इस कायनात से रुखसत हुए। यानी कि अगर इमाम अली की जिंदगी को देखा जाए, मेरी दुआ है कि आज के दिन के सदक़े से अल्लाह हम तमाम लोगों को ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगी में वो तर्ज जिंदगी, वो तरीक़े अमल इख्तियार कर सकें जो इमाम अली का बताया हुआ तरीका है। इमाम अली जब तशरीफ ला रहे हैं काबे में तो हम देखते हैं कि बीबी फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही हैं, फिर रुकने यमानी के पास से अल्लाह आपको भी ज्यारत कराए, मुझे भी बार बार ज्यारत कराए। मेरी आज के दिन के सदक़े से दुआ है हम सबको उस मकाम की ज्यारत कराए, हम अल्लाह के घर की ज्यारत करें। जब जाएंगे बैतुल्लाह तो देखते हैं कि वो निशान आज भी मौजूद है कि रुकने यमानी के पास से दीवार फट गई थी और बीबी काबे का तवाफ कर रही थी, आवाज गैबी आया, बीबी उदखिल, बीबी आप अंदर दाखिल हो जाइए, दीवार ने दर बनाया, बीबी काबे के अंदर दाखिल हो गई। मौलाए कायनात की आमद काबे में हुई और 3 दिन तक बीबी फातिमा बिनते असद, 3 दिन यानी 13 रजब से 16 रजब तक 3 दिन 3 रातें बीबी काबे के अंदर रहीं। 3 दिन बाद जब रसूल अल्लाह काबे और सारे मक्के वालों को पता चल गया था कि अबू तालिब की जौजा रसूल अल्लाह की चची काबे के अंदर मौजूद है, अब ये वो बीबी है, कोई गुमान न करे कि ये आम हस्ती है, बीबी फातिमा बिनते असद वो खातून है जो खुद भी हाशमी है, इनका बेटा भी हाशमी है, इनका शौहर भी हाशमी है, इनके पोते भी हाशमी है, ये वो खातून है। अल्लाह ने इनको इमाम अली जैसा गुल जिसकी आगोश में खिला दिया, सोचे उस बीबी का क्या मकाम होगा। बीबी की अजमत यह है कि कायनात में सिर्फ 2 औरतें ऐसी हैं, मैं आज जाहिर है इस बज़्म में एक और बीबी को भी खराज पेश कर दूं, कायनात में 2 मस्तूर ऐसी हैं, 2 मस्तूरात ऐसी हैं जिनको ये एजाज हासिल हुआ कि उन्हें रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला। एक बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मादर बीबी फातिमतुज़्ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, रसूल खुदा की ताहिरा जौजा जिनको रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला। दूसरी बीबी फातिमा बिनते असद इमाम अली की माँ जिनको रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला। और जब बीबी इस कायनात से रुखसत हुई है तो रसूल अल्लाह आपकी कब्र मुतहर में उतर गए। जब इमाम अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, तो कहा अली तुम्हारी माँ नहीं गई, वो मेरी माँ चली गई है। और फिर आज रिश्ते बड़े कंट्रोवर्शियल है ना, हम देखते हैं जाहिर कि इस एतबार से भी हम दुनिया को देखते हैं और रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह इस बीबी के लिए फरमाते हैं कि मैं अपनी चची, वो मेरी माँ थी, मुझे कभी एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो मेरी चची है, मेरी माँ नहीं है, मुझे पहले कंगी की अपने बच्चों को बाद में, मुझे पहले खाना खिलाया अपने बच्चों को बाद में। तो ये वो बीबी है, जब कायनात से रुखसत हुई मौला रसूल खुदा इश्क अव्वल खुल्क अव्वल नूर अव्वल हुस्न अव्वल ताहा यासीन बशीर नजीर सिराज मुनीर तस्वीर कायनात हुस्न कायनात जान कायनात रूह कायनात महबूब किब्रिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनकी कब्र मुतहर में उतर गए। आप सोचिए उस बीबी की कब्र की रहमत का क्या आलम होगा जिस पर रहमतुल आलमीन तशरीफ ले आए। आपने कब्र की दोनों दीवारों पर ऐसे हाथ रखा और एक जुमला का, ऐ कब्र होशियार मेरी माँ आ रही है, सुभान अल्लाह, कब्र होशियार मेरी माँ आ रही है, बीबी की कब्र में खुद। तो ये वो बीबी है, आप बीबी की आगोश में इमाम अली तशरीफ ले आए। 3 दिन तक सारे मक्के वालों को खबर हो गई थी कि जो है वो जौजा अबू तालिब की काबे के अंदर मौजूद है। बस 3 दिन बाद जब रसूल अल्लाह काबे के अंदर उसी मकान से दाखिल हो गए तो कहती है रसूल अल्लाह ये कैसा बच्चा है, इसने अभी तक अपनी आंखों को नहीं खोला, 3 दिन हो गए कहा आंखों को नहीं खोला। जैसे ही रसूल अल्लाह ने इमाम अली को अपनी आगोश में लिया, आपने खुशबू रिसालत को महसूस किया और फौरन अपनी आंखों को खोल दिया, सबसे पहले रुखे अनवार रिसालत की ज्यारत, जिससे कायनात में आते ही 7 मुस्तफा के चेहरे की ज्यारत की, उसे अली ये मुर्तजा कहते हैं। ये शान है इस बीबी की जिसने अपनी आगोश में 2 बच्चों को पाला, एक को पाला मोहम्मद मुस्तफा बना दिया, दूसरे
को पाला अली ये मुर्तजा बना। मेरी दुआ है जो जो लोग भी औलाद है अल्लाह उनको आज के दिन के सदके में औलाद नरीना अता फरमाए। ये बहुत बड़ी हस्ती है। जब इमाम अली तशरीफ ले आए तो फिर क्योंकि मौला का फरमान है ना, मैं इसलिए दुआ देती हूँ क्योंकि इमाम का फरमान है इमाम अली का, उस जुबान से दुआ कराओ जिससे तुमने कोई गुनाह ना किया हो। तो वो हमारी अपनी जुबान तो नहीं हो सकती, जिससे हमने कोई गुनाह ना किया हो किसी दूसरे मोमिन की ही जुबान हो सकती है जिससे हमने कोई गुनाह ना किया हो। तो ये वो हस्ती है जो काबे में तशरीफ लाए। अब जब इमाम अली को रसूल अल्लाह ने अपनी आगोश में ले लिया तो सब ने लिखा कि एक मर्तबा इमाम अली ने अपनी दोनों छोटे छोटे से हाथों को अपनी पेशानी पे रखा और कहा अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसुल हुदा। नन्हे नन्हे से हाथों को अपनी पेशानी पे रखा, रसूल अल्लाह को सलाम किया, फिर रसूल अल्लाह ने अपना लुआब दहन इमाम अली को चुसाया, अपनी जुबान चुसाई। आप मुझे एक लॉजिकल जवाब दीजिएगा एक बात का कि आज अगर कोई नाना, कोई दादा, कोई बड़ा भाई, रसूल अल्लाह का जाहिर इमाम अली से रिश्ता था कि कोई बड़ा भाई, कोई नाना दादा बच्चे को जुबान चुसाए तो बेटी फौरन कहेगी बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो जरासीम मुंतकिल हो जाएंगे। मैं कहूँ जहाँ पे जरासीम है वहां जरासीम मुंतकिल हो जाएंगे, जहां रिसालत की खुसूसियात, जहां अंबिया की सिफात, जहां पर अजमत, रिफत, बुलंदी, मेराज, किरदार, रफ्तार, गुफ्तार, फसाहत, बलागत, इल्म, हिल्म, ये जहां पर ये सिफात हो तो वो सिफात मुंतकिल हो जाएंगे। आपने अपना लुआब दहन चुसाया, फिर बड़े इत्मीनान से मौलाए कायनात से कहा तीन दिन के बच्चे हैं, लेकिन कह रहे अली अली कुछ सुनाइए। तो अली भी आत्मादे रिसालत में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह बताइए, तौरात सुनाओ, जबूर सुनाओ, इंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। अभी तो कुरान नाजिल भी नहीं हुआ था, मौलाए कायनात ने रसूल अल्लाह के हाथों पर कुरान पढ़कर सुना दिया। अल्लाहु अकबर, कुरान पढ़कर सुनाया। और फिर रसूल अल्लाह जब इमाम अली को लेकर काबे से बाहर निकले, जो इमाम अली को कहते हैदर, हैदर जो इमाम अली का लकब है, इमाम अली को कहा जाता है, तमाम लोग हैदर के नाम से इमाम अली को जानते। बीबी रसूल अल्लाह जनाब अबू तालिब लेकर उस बच्चे को खाने काबा से बाहर जब निकले तो अरब वालों में जाहिर है कि हर माशरे का एक एक दस्तूर होता है, एक रिवाज होता है, वहाँ के जो है वो रसूमात होती हैं। तो इमाम अली के साथ भी जाहिर अरब वालों का दस्तूर था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो काबे के बाहर जो एक पत्थर था उस पर उस बच्चे को लिटा दिया करते थे, फिर अंदर से गार में से निकल कर एक जो है सांप या अजदहा जिसको आप कहते हैं बड़ा सा, वो आया करता था और कभी किसी बच्चे को जो है वो छेड़ भी दिया करता था, कभी ऐसे ही निकल जाता था। जाहिर है कि अपनी रसूमात थी और फिर वो माँ बाप से फिर उस बारे में गुफ्तगू भी किया करते थे। जब इमाम अली की बारी आई तो कहा अबू तालिब इस बच्चे को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसका भी तो इम्तिहान है, इसको इस पत्थर पर लिटा दीजिए। हजरत अबू तालिब ने पूरे इत्मीनान के साथ मौला कायनात को वजुल्लाह को उस पत्थर पर लिटा दिया और बड़ा, आज वो आम सांप नहीं आया क्योंकि ये आम हस्ती नहीं थी, बड़ा वाला अजदहा बाहर आया और इमाम अली के करीब ही आया था। इमाम अली ने अपने दोनों हाथों के अंगूठे उसके कल्ले में दिए और दो बराबर बराबर टुकड़ों में तकसीम कर दिया। लोग देखते रहे, अब क्योंकि बीबी अरबी बोलती थी आपकी माँ, तो बीबी की जुबान से निकला हैया, अरबी में सांप को कहते हैया, दरा चीरने को कहते हैं, बीबी ने कहा हैया दरा, ये सांप को चीरने वाला, अजदर को चीरने वाला। तो जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने बेसाख्ता यक जबान होकर कहना शुरू किया हैया दरा, हैया दरा। और वो चलते चलते जाहिर है कि जब अपनी अपनी जुबानों में आया तो लोग कहते हैदर, हैदर, हैदर। और जाहिर है कि आज तो अली अली करने का दिन है और अली अली करने का बात से मैं ये कहूंगी, यहाँ वहां से किसी को इधर उधर से मिला, हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात बेशक और हबीब खुदा की दुआओं का समर के जिनके लिए नबी खुदा ने दुआएं मांगी थी, अपने हाथों को फैला फैला के खुदा की बारगाह में के परवरदिगार आलम जिस तरह तूने मूसा को उनका वसी अता किया, इसी तरह मुझे भी एक वसी अता कर। तो परवरदिगार आलम की बारगाह में जब हबीब खुदा के दस्ते दुआ बुलंद थे, यानी हबीब खुदा ने दुआ की खुदा से, जरूरत है मुश्किल में मुश्किल कुशा की, शुजात की एक जिंदा तस्वीर दे दे, अरे दिया है जो कुरान तो तफसीर दे दे, गर चाहता है कि हो दीने कामिल, रसालत तो कर दे इमामत में शामिल। तो आवाज कुदरत आई थी, ऐ मेरे हबीब जाइए, हमने आपकी दुआ को मुस्तजाब किया, आपको आपका कुव्वत बाजू जोरे बाजू अता किया और वो खाने काबा
कि जिसके मुतवल्ली जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा हुआ करते थे, आप काबे के मुतवल्ली हुआ करते थे। और कहते हैं कि जब वलादत अली इब्न अबी तालिब का वक्त करीब था, जैसे कि ख्वाहर ने कहा, तो शहजादी फातिमा बिनत असद ने अपने आप को सियाह चादर में समेटा। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रावी हैं, कहते हैं मैं कुछ फासले पर बैठा हुआ था, मैंने देखा एक सियाह चादर में बीबी ने खाने काबा का तवाफ करना शुरू किया और रुकने यमानी के पास आकर खड़ी हो गई। अचानक दीवार ने लरजना शुरू किया। कहते हैं मैंने चाहा मैं आगे बढ़ूँ और जाकर उस शहजादी को बचाऊँ कि कहीं ये लरजती हुई दीवार शहजादी पर ना गिर पड़े। कहते हैं जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने उस दीवार में एक दर को मौजूद पाया कि जिससे फकत एक ही फर्द अंदर दाखिल हो सकता था। मैंने देखा वो बीबी बिला झिझक खाने काबा के अंदर दाखिल हो गई। जाते हुए एक ने देखा था, अगर एक की बात होती तो आज जमाना झुटला देता कि एक की गवाही। कहते हैं जाते हुए एक ने देखा, लेकिन बाहर आते हुए शहजादी को हजारों ने लाखों के मजमे ने देखा, क्योंकि रातों रात ये पूरी खबर फैल चुकी थी। हम सब जानते हैं खाने काबा की जो चाबी, जो कुफल की चाबी थी, वो जनाब अबू तालिब के पास रहा करती थी, जिससे सुबह शाम खाने काबा का जो दर है, जिस चाबी से उसका कुफल खोला जाता था। कहते हैं कि रातों रात पूरी खबर फैल गई, जितने करिए थे, जितने गांव थे, जितनी बस्तियां थी, जितने शहर थे, जब तमाम लोगों को पता चला कि खाने काबा में कोई मौजजा रोनुमा हुआ है। अच्छा, आपने इसी को कंटिन्यू महापारा जैदी साहबा करने हमारे इधर मैंने कॉल इजाजत है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काफी देर उन्होंने होल्ड किया, वो बात करना चाहे थे आप लोगों से, चले आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन मैं एक सवाल अभी इसके बाद आपके बात करूंगी आपसे हीरा, कि मुझे क्योंकि मौला अली की बहादुरी उनकी तलवार सबके दिलों को दहला देती है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उनके बहादुरी की जब बात होती है तो सब हिल जाते हैं। बेशक आज भी जंगे तो जो है ना रहे के नाम से जो है कॉल आ गई, बात करें आपसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका और कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं फराज जट बात कर रही हूँ, गुजरावाला से। जी मेरी प्यारी बहन क्या पूछना है आपने? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, और मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक मौला अली की, आपको भी विलादत की। जी और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका, मैडम साहब भी बहुत अच्छा करती हैं, पहले भी मैंने देखा आपका प्रोग्राम। जजाए खैर, जजाए खैर। आपको भी मौला अली की विलादत और जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी खैर मुबारक। और प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा तमाम पाकिस्तान में, तमाम मुसलमान मुमलिकत में और गुजरावालों में सबको हम कहेंगे मौलूदे काबा, बिल्कुल बिल्कुल, सबका बहुत मुबारक हो। हमारी तरफ से भी, गुजरावाला की तरफ से सबको आपको मुबारक। बहुत ज्यादा बहुत खुशी का दिन है आज के, हम सब जैसे दूसरे दिन मनाते हैं, ये भी तो सब दिनों का सरदार है ये दिन, ठीक है, हम सबको, हमारे लिए ईद का दिन है ये। जी जी इससे कम नहीं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मेरी प्यारी। माशाल्लाह तैयारी देखें ईद का, देखें मुझे तो, मैंने कितनी तैयारी की, सब मुझे देख रहे हैं क्या, मैंने कहा मैं खुश हूँ बहुत, और हम खुशकिस्मत हैं परवरदिगार आलम ने हमें इस अज़मत इज़्मा से नवाजा है, बेशक आयमा अथार से नवाजा है कि जिनके दर से हम वाबस्ता हैं, और हमें जिंदगी का सलीका और जीने का तरीका इन्हीं हस्तियों ने बताया कि किस तरह आप जिंदगी को अपनी गुजारें, आपकी जिंदगी का सलीका क्या है। तो जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जिन्होंने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, और तमाम करिए, तमाम बस्तियां, हजारों लाखों का मजमा जो था वो खाने काबा के बाहर जमा हो गया कि आज खाने काबा में कोई मौजजा रोनुमा हुआ है। कहते हैं कि जब तमाम लोग जमा हो गए तो जनाब अबू तालिब जो रोज जिस चाबी से उस कुफल को खोला करते थे, आज वो चाबी कुफल में लगाते हैं तो आज वो कुफल खुलता नहीं है। कहते हैं कि फिर एक मरतबा दीवार काबा लरजना शुरू हुई, जनाब रसूल खुदा उस लरसी हुई दीवार से अंदर दाखिल हुए, तो शहजादी फातिमा बिनत असद की आगोश में आपने अपने कुव्वत बाजू, अपने जोर बाजू, इमामुल मुत्तकीन सैयदुल वसीन अली इब्न अबी तालिब को देखा, और जब आपने देखा तो एक मरतबा शहजादी फातिमा बिनत असद फरमाने लगे कि ए मोहम्मद, जब से ये बच्चा दुनिया में आया इसने आंखों को नहीं खोला। आए हाय हाय। जनाब रसूल खुदा आगे बढ़े, नूर नूर की तरफ बढ़ा, रिसालत ने आगे बढ़कर इमामत को अपने हाथों पर उठाया। जूं ही बच्चे ने रिसालत की खुशबू को महसूस किया, अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंखों को मलते हुए आंखों को खोला, आईने खालिक में सूरत रहमान देखी, हमद खालिक में जबान खुली, रसूल ने तिलावत कुरान सुनी, और अली को अपना वसी कहकर रसूल खुदा ने मुंह में जबान दे दी। और मौलाए कायनात को सारी जिंदगी इस बात पे फख्र रहा कि मेरी पहली गजा लुआबे मोहम्मद मुस्तफा, सुभान अल्लाह, बताएं जितना नाज करें कम है, जितना नाज, बिल्कुल, और बिल्कुल
पहली दफा जो मैंने चेहरा देखा तो वो जनाब रसूल खुदा का। मेरी प्यारी बहन, आप लोगों को देख के लोग कितना खुश हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी प्यारी बहन, मेरी तरफ से। आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम अलीशा है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो मौला की विलादत। आपको और आज आपने बड़े अच्छे मेहमान बुलाए हैं। अभी सुबह सुबह उठ के मैंने देखा, चैनल चेंज कर रही थी तो इनको मुबारक रहती को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेक्चर्स भी मैंने सुने हैं, तो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है इनकी। और अभी भी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उससे वो भी बहुत अच्छी चल रही थी, बट लाइट चली है सदन भी, तो नंबर मैंने नोट कर लिया था, अब रिकॉर्डिंग देखूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल 12 बजे की रिपीट आप बिल्कुल देखिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, आपको भी मौला अली की विलादत मुबारक हो। थैंक यू आपको। ओके, माँ पारा की बात फिर मैं कहूँगी, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करती हूँ मैं कुछ चंद अशार। अभी इंकलाब इस्लामी की सालगिरह भी गुजरी है, बिल्कुल उस हिसाब से भी ये समझ लीजिए इमाम खुमैनी के लिए हैं मौला अली के कुछ अशार। और फिर जितने चाहने वाले हैं जो विलाया अली इब्न अबी तालिब अपने दिल में लेकर इस दिन को मना रहे ईद की तरह, उनके लिए भी मेरे ये चंद अशार हैं। मुझसे मत पूछिए बासफा कौन है, मुझसे मत पूछिए बासफा कौन है, देखिए पैरुए मुर्तजा कौन है। मेरे दिल में अली और जुबां पर अली, मुझसे बढ़कर भला पारसा कौन है। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, अब देखो उन्हें चाहता कौन है। और ये शेर मेरा अपने तमाम सामईन के लिए, अपने नाजरीन के लिए और आपके लिए। नूर ही नूर है हर तरफ दोस्तों, नूर ही नूर है हर तरफ दोस्तों, आज महफिल में आया हुआ कौन है। और दीन अहमद का जिनको मुहाफिज कहें, खानदान अली के सिवा कौन है। मेरी मुश्किल के मुश्किल कुशा हैं अली, मेरी मुश्किल के मुश्किल कुशा हैं अली, तू बता तेरा मुश्किल कुशा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ पारा जैदी साहब हमारे दरमियान मौजूद थी और मैं एक सिर्फ टाइम अभी शॉर्ट है तो मैं सिर्फ सैयदा हिरा शिराजी से मैं कहूंगी कि अगर थोड़े टाइम में कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन लेट्स सी। मैं बहादुरी की बात आपसे सवाल किया था, शुजाअत के बारे में पहले ही सवाल किया था। मैं जाहिर है कि इतना लंबा नहीं करती, मैं बहुत तेजी से इसको, जाहिर है कि इनके फजाइल तो खत्म ही नहीं। आप 5 मिनट में कीजिए, 5 मिनट आपके पास हैं। जी, जंगे बदर पहला इस्लाम का मार्का, उसमें हम देखते हैं मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, 313 का मुसलमानों का लश्कर है, सब मुसलमान है ताजे ताजे, और उनके मुकाबले जो है वो एक बड़ा लश्कर है। और उनका ये शेवा होता था कि वो अपने सामने अपने सबसे बड़े बुत को लाकर जो है वो खड़ा कर दिया करते थे। और इस जंग में भी पहला मार्का था और उनका ईमान था कि इस बुत की वजह से हमें शिकस्त नहीं होगी। उस जंग में भी मुशरिकीन ने, काफिरीन ने अपने सबसे बड़े बुत को लाकर सामने खड़ा कर दिया और एक नारा लगाया, हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास कोई उज्जा नहीं है। वो मुसलमान सारे दौड़ते हुए रसूलल्लाह के खैमे में तशरीफ लाए, कहा या रसूलल्लाह, उन्होंने नारा लगाया है कि उनके पास उज्जा है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। आपने इमाम अली से कहा, अली जाइए, जाकर मुसलमानों के दरमियान इत्मीनान का सबब पैदा कीजिए। इमाम अली अपने खैमे से बाहर आए और जाकर पूछा, तुमने क्या नारा लगाया? उन्होंने कहा, अबू तालिब के मासूम बेटे, हमने तो सिर्फ इतना कहा था, हमारे पास उज्जा है, तुम्हारे पास कोई उज्जा नहीं है। मौलाए कायनात एक बुलंदी पर खड़े हो गए जिसका उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ अल्लाह के लिए हो, जो तौहीद का लम्बरदार हो, से अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। मौलाए कायनात खड़े हुए और आपने फरमाया, अल्लाह मौलाना वला मौलाना, हमारा मौला अल्लाह है। परवरदिगार आलम ने सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 11 में इसको आयत बनाकर नाजिल किया। परवरदिगार बेशक अल्लाह मोमिनों का मौला है और काफिरों का तो कोई मौला होता ही नहीं है। परवरदिगार आलम ने उसी वक्त फैसला किया कि आज मुझे इन काफिरों के सामने मौला कहलाने वाले अली, मैं भी वादा करता हूँ कि मैं 1,23,000 सहाबियों के सामने तुझे मौला कहलवाऊंगा और मन कुन तुम मौला हो। फहाजा अली उन मौला का नारा वहां पर बुलंद हुआ। जंगे ओहद में भी हम देखते हैं कि जब सब लोग चले गए थे, जब जंग का नक्शा पलट गया था, तो उस वक्त मौलाए कायनात अकेले जंग कर रहे थे। जब शैतान आवाज लगाया था, माता मोहम्मद मोहम्मद मारे गए, तो मौलाए कायनात ऐसे रसूलल्लाह को उठाकर कह रहे थे, हाजा मोहम्मद रसूलल्लाह, हाजा मोहम्मद रसूलल्लाह, ये रहे अल्लाह के रसूल। फिर मौलाए कायनात ने जंग कर, रसूलल्लाह ने आपको खजूर की छाल फेंकी, कोई लड़ सकता है खजूर की छाल से? लड़ने वाला हाथ है दरे कर्रार का होना चाहिए। एक मरतबा खजूर की छाल फेंकी, खजूर की छाल टूट गई कि आप
आपने एक मरतबा आसमान की तरफ देखा, रहमतुल्लिल आलमीन के चेहरे पर जलाल आया। अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि जुल्फिकार को जन्नत से उठाइए और जमीन पर लेकर जाइए। चलिए मैं आपको, हम सबको, जितने लोग सुन रहे हैं उनको वादिये इश्क में परवास कराऊं कि अल्लामा इकबाल ने जब जुल्फिकार को मैदान उहद में आते हुए देखा तो वादिये इश्क में परवास किया और फारसी में कहते शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वत परवरदिगार ला फताह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। क्या बात, क्या बात, टाइम है या है, हाँ, बात कीजिए, बात कीजिए। मौलाए कायनात के लिए जुल्फिकार नाजिल की गई मैदान उहुद में, अकेले जंग कर रहे थे और शैतान जैसे आवाज लगाता जा रहा था, मोहम्मद मारे गए। हाँ, मौलाए कायनात रसूल अल्लाह को बुलंद कर रहे थे, नहीं हावजा मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये रहे अल्लाह के रसूल मोहम्मद। आपने जंग जो है वो जीत ली। आप देखते मकाम खैबर पर मौलाए कायनात जिनको असदुल्लाह कहते, शेर खुदा, अल्लाह का शेर कैसा होना चाहिए। मकाम खैबर पर हम देखते हैं कि 39 दिन तक जंग जारी रही और वो यहूदी जो खैबर के किले के ऊपर बैठे हुए थे, जब उन्होंने इमाम अली को आते हुए देखा कि आपने पत्थर में आलम को गाड़ दिया, तो एक एक एक, एक वहां पे राय मौजूद था, कहता है कि ये आम हस्ती नहीं है, ये हैदर एक कर्रार है, आज तुम यहां से अपने जो है डेरे हटा दो क्योंकि अब यहां पे हैदर एक कर्रार आ गए। मौलाए कायनात ने वो दरवाजा खैबर का जिसको 40 लोग एक वक्त में खोला करते थे, इमाम अली ने अंगुश की पुष्प पर उगे हुए नाखून की नोक से उस दरवाजे को फिजा में उछाल कर फेंका था। ये मौलाए कायनात की शुजात है, शुजात का ये आलम है अली इब्ने अबी तालिब की। लेकिन हम देखते हैं कि एक मकाम पर जब अली पर किसी ने हमला किया, जंगे खंदक का ये वक्त था कि जब इमाम अली पर हमला किया, इमाम अली को एक लम्हे के लिए जब गैस के आलम में आए, इमाम अली ने अपनी तलवार को फेंक दिया, कहा नहीं अली, अपने लिए नहीं सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए जंग करना चाहता है। इसी के लिए तो कहा गया जो दीन किबरिया का मुकद्दर है वो अली, जो हक की रहमतों का समंदर है वो अली, जो बाब शहर इल्म पैगंबर है वो अली, जो मिंबर कजा का सुखनवर है वो अली, और मैदान में जो बशर को मताए जमीर दे, झूले में हो तो कल लाए अजदर को चीर। सुभान अल्लाह, इरश राजी, मैं कहती हूँ ये मजबूरी है हमारी के 2 घंटे का ऑफकोर्स शो है, हमारे और भी मनकबत सुनाने वाले वेट करे हमारे मेहमान। तो मेरी प्यारी बहन माँ पारा, आपका बहुत शुक्रिया। माँ पारा जैदी हमारे दरमियान थी और हिरा शिराजी हमारे दरमियान मौजूद थी, बेहतरीन स्कॉलर्स। मेरा दिल करे ये बहनें बोलती रहें, सुनाती रहें, मौला अली का जिक्र करती रहें, उनकी बहादुरी की, उनकी शुजात के, उनकी विलादत की जितनी भी बातें हों वो कम है। और ये हमारे लिए एक ऐसा मैसेज है जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन आज ना आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन मैं जाते जाते आपको एक खूबसूरत सा मैसेज दे दूं और आपको एक स्पेशली जो है वो खास तौर पे कहूंगी कि शहर कराची रौनकों वाला शहर, और उसके लिए है खुशखबरी हुसैन मार्केटिंग की जानिब से, क्योंकि मेन प्राइम लोकेशन राशिद मिनास रोड पर लकासा वन मॉल में आप हासिल कर सकते हैं क्या एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और साथ में मिलेगा आपको हुसैन मार्केटिंग की जानिब से बिजनेस प्लान। तो आप लोग रेडी हैं, फॉरन रजिस्ट्रेशन करवाएं क्योंकि 80% स्ट्रक्चर लकासा वन मॉल का बिल्कुल कंप्लीट है, सेफ एंड सिक्योर, स्टैंड बाय जनरेटर और बहुत कुछ। यानी कि एक स्पेशली मैं एक और बात कहूंगी कि ये क्योंकि प्राइम लोकेशन है तो आपको कहाँ कहाँ से नियरेस्ट इसको आपको लकासा वन मॉल आप जा सकते हैं, क्योंकि ये नियरेस्ट है कराची यूनिवर्सिटी के, ये बहुत करीब है आपको, FB एरिया में बहुत नियरेस्ट है। इसके अलावा अलादीन पार्क और उर्दू साइंस कॉलेज और बहुत सारी ऐसी, क्योंकि मैं जब कहती हूँ चारों तरफ से आपको लकासा वन मॉल में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेहतरीन मौका मिल रहा है, तो फौरन रब्ता कीजिए हुसैन मार्केटिंग, क्योंकि जब भी हुसैन मार्केटिंग का नाम आया तो नाम आया है दी नेम ऑफ ट्रस्ट का। तो मैं मिली हूँ जुनेद अब्बासी साहब से, जो बेहतरीन उन्होंने मुझे इस लकासा वन मॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखें। लेट्स सी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती हैं आपको खुश आमदेद। और आज है 13 रजब, मौला अली की विलादत, जश्न विलादत और ईद का समा, कहीं है शिरनियों
की तकसीम और कहीं लोग कर रहे हैं नजरो न्याज, तो बहुत खुशी है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं उस हस्ती ने, हम उस हस्ती को मतलब इट्स मीन कि मेरे पास अल्फाज कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक ने उस हस्ती को हमारे ज़मीन पर उतारा हम लोगों की रहनुमाई के लिए। तो बात करूँगी यहाँ पर पहले, बड़ी प्यारी प्यारी मेरी बहनें थीं जिन्होंने मौला अली का जिक्र किया, और यहाँ पर इस वक्त मेरे प्यारे प्यारे भाई मौजूद हैं जो मनकबत भी आपके साथ शेयर करेंगे, नाते भी शेयर करेंगे और मौला अली का जिक्र भी होगा और उनसे मैं मिलवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं उस शख्स से मिलवाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बड़ी प्यारी आवाज़ में नात सुनाते हैं, और सबसे पहले इसलिए मिलवाऊंगी क्योंकि वो मौला अली के दर से आए हैं। तो क्या बात है, तो सबसे पहले मिलवाती हूँ मोहम्मद असद अयूब नातख्वां। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़ियारत करके आए, आपसे बात होगी इंशाल्लाह जरूर। कैसा लगा वैसे, आप मुझे थोड़ा सा बताएं। बस ये तो इसके ऊपर जितनी गुफ्तगू की जाए कम है कि कैसा लगा। जाहिर सी बात है, किसी भी कहते ना मना गुलाम है अली, तो हजरत अली की बारगाह में जिनका नाम हम बचपन से ले रहे हैं, जो हमारा ईमान है, हमारी जान है, तो जब इंसान की उनकी बारगाह में हाजिरी होगी तो इंसान किस तरह शुक्र अदा करे कम है। बेशक बिल्कुल, हम असद भाई से भी बात करेंगे और इनकी आवाज़ में नात भी सुनेंगे, लेकिन उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं आसिम रिजवी और वो हमें सुनाएंगे मनकबत। पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज मौला अली का जिक्र है, बहुत बाबरकत दिन है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम इस चैनल के तवसुस से अपने अल्फाज का इंतखाब करके जो है वो पहुंचा रहे हैं दुनिया तक, और अल्लाह ताला आप लोगों की इस काविश को पूरा फरमाए, इसको जो है वो और बेहतर से बेहतर तरीके से अदा करें। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल आसिम भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और मोहम्मद असद भी मौजूद हैं। अब मेरे अपने भाई से सैयद यावर अली रिजवी, जिक्र अहले बैत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और आपसे हम बिल्कुल सुनेंगे और मौला अली का जिक्र भी होगा और अच्छा सॉरी, सैयद यावर अली रिजवी जाकिर अहले बैत। जाकिर अहले बैत, और क्योंकि लाइव शो है कुछ हमसे भी गलती हो जाती है, और हमारे बिल्कुल बराबर में मेरे प्यारे भाई इखलाक नूरी नातख्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब लोगों ने एक समा बांधी और ये सिर्फ जिक्र मौला अली का है और उनकी योम विलादत है, तो क्यों ना हम इकट्ठे हों। चाहे हम, मैंने देखा है कि मौला अली किसी एक के नहीं है, मौला अली हम सब के हैं, और उन्होंने ये साबित किया है कि वाकई में वो हम सब के हैं। उनका, उनकी शख्सियत, उनका बोलना, उनका मैसेज, उनका प्यार, उन्होंने सब कुछ खुद करके दिखाया और हमारे दरमियान छोड़ गए। अगर हमने उनकी रहनुमाई, अगर हमने अगर उनको फॉलो किया ना, तो हम बेहतरीन इंसानों में से होंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी, मैं आपसे बात करूंगी। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे इंतखाब किया अल्फाज का कि बेशक मौला अली वाहिद हस्ती हैं जो हर मसलक, हर इंसान और हर दिल रखने वाले इंसान के जो है वो दिल में पाए जाते हैं। मेरे भाई, मैं सच बताऊं, मैंने हिंदुओं को भी देखा है मौला अली का जिक्र इतने खूबसूरत अंदाज में करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग सुनते भी हैं, बहुत से पंडित शायर भी हैं जो है वो अपने अल्फाज का इंतखाब कर रहे होते हैं, तो मौला अली ऐसी हस्ती हैं कि उनका जो है वो बड़ा एक, और हम लोग अक्सर और बेशतर सुन भी रहे होते हैं कि हज़रत अली का जो एक ह्यूमंस पे जो उनका जो है वो एक उनकी थ्योरी है कि हम अक्सर और बेशतर इंसानियत को जितना उन्होंने पिया हुआ था और जितने खूबसूरती के साथ इंसानियत का वो इजहार करते थे, तो ये तो हर शख्स, इसीलिए मौला अली की जो हस्ती है उसके लिए कभी भी अल्फाज का आप कोई भी इस्तेमाल कर लें वो अल्फाज कम ही होते हैं। बेशक, ठीक है, आप उनको कभी मैं चाह रही हूँ मेरे प्यारे भाई आसिम, आप एक मनकबत सुना। जी जी बिल्कुल, एक दफा मिलके मेरे साथ मोहम्मद वाले बिल्कुल मुसलमान मत भूल एहसान अली का, ये जो कलमा है तेरे पास है ये दान अली का, वो तो कौन के
मालिक है ये जन्नत क्या है, जन्नते बांटते फिरते हैं गुलामान अली। हो रुतबा कमाल है अली लाजवाल है, रुतबा कमाल है अली लाजवाल है। ओ साड़े सुनावो ओ रल के सुनावो, हो नारा अली दा हो पढ़ना कसीदा, हक दे वली दा पढ़ना कसीदा। ओ काबे दा गौहर काबे दे अंदर, तेरा रजब की मुनासबत से है ये, के काबे दा गौहर काबे दे अंदर, हो आया बना कर दीवार नूदर। ओ तेरा रजब दा है मैं को याद मंजर, हो काबे चे पहला काबे चे पहला, हो सजदा अली दा हो पढ़ना कसीदा, हक दे वली दा ओ पढ़ना कसीदा। ओ जहरा दा शौहर पीरा दा पीर, जहरा दा शौहर ओ पीरा दा पीर, मैं क्या डसे वहां केड़ा अमीर है, ओ मैं क्या डसे वहां ओ केड़ा अमीर है। हो तह तो सरा तो अरशे उलातगी, तह तो सरा तो अरशे उलातगी। ओ सारे दा सारा सारे दा सारा, ओ रकबा अली दा ओ पढ़ना कसीदा, हक दे वले दा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी मनकबत इन्होंने सुनाई। अच्छा मैं बात करूंगी मोहम्मद असद अयूब, आपका जाना हुआ अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली जाना हुआ, तो अब मुझे चाहे जैसे हम लोग जब काबा शरीफ की ज़ारत करके आते हैं ना, एक अलग फीलिंग होती है। तो आप गई मौला अली की ज़ारत की, तो कैसा आप वहाँ पर जाने का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद माशाल्लाह, आपकी पूरी टीम को, वीनस HD को मुबारकबाद कि आपको ये सादत नसीब हुई कि मौला अली अपना ज़िक्र आप की और हम सब की ज़ुबान से करवाएं। मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, और ये हम सब की खुशनसीबी है, बिलखसूस ये माँ बाप की दुआएं कि ज़िंदगी में ये सादत नसीब हुई कि मौला अली के दरबार में जाना हुआ, मौला हुसैन की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ, मौला अब्बास अलमदार और तमाम शहदाए करबला की बारगाह में सलाम सुबह आज जाना पेश करने का मौका मिला। बड़ी बात ये है कि मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि पिछले कई सालों से जब भी अलहमदिल्ला हरमैन तैयबैन जाने की सादत नसीब होती थी, तो जन्नतुल वकी में हज़रत मौला अली रदील्ला तु की वालदा माजदा आराम कर रही हैं, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो मैं जब बकी में जाता था, सलाम पेश करता था, तो एक कमी थी। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये खुलफाए राशिदीन हज़रत इमाम हसन भी यहाँ पर आराम कर रहे हैं, आपकी साहबजादियाँ, आपके शहजादे, आपकी शहजादियाँ, एक कमी ये है कि हज़रत अबू बकर की बारगाह में भी हाज़िरी हो गई, हज़रत उमर रदील्ला तु की बारगाह में भी हाज़िरी हो गई, हज़रत उस्मान गनी भी यहाँ बकी में आराम फरमाए। या रसूलल्लाह एक कमी है कि वो मैं क्या करूं कि मौला अली आपके शहर मदीना में मौजूद नहीं है, बजाय आपने नजफ में आराम करने के लिए वहाँ रखा है, वहाँ पर आराम कर रहे। या रसूलल्लाह आपको सईदा फातिमा बिनते असद रदील्ला तआला का वास्ता, मुझे वहाँ हाजरी नसीब फरमाए। आप यकीन करें कि 2019 दिसंबर का ये महीना था, और मैंने मौला अली की वालदा की माजदा की बारगाह में मैंने ये अर्जी पेश की कि मुझ पर करम फरमाए और मुझे सब घर वालों के साथ जो है मौला अली की बारगाह में जाना नसीब हो, आपके जो दूसरे शहजादे आराम कर रहे हैं, मौला हुसैन आराम कर रहे हैं, मुझे वहाँ जाना नसीब हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बुलावा नसीब हुआ और जाना नसीब हुआ, और क्या बताऊँ शहर का नूर मौला अली की बारगाह का कि जो मौला अली पैदा हुए काबतुल्लाह के अंदर और पाई शहादत मस्जिद में, उन मकामात को देखा कि जहाँ उनकी शहादत हुई कूफा में, वो मस्जिद वो मकाम, और
अल्लाह रब्बुल इज्जत की करोड़ों रहमतें हों मौला अली पर और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो असहाब पर। बेशक। और मैं एक बात कहूँगी अपने नाज़रीन से कि जब हम कहते हैं ना कि हज करने हम जाना चाह रहे हैं तो आप कितने भी पैसे जमा कर लें, जब तक मेरे रब का हुक्म नहीं होगा आप नहीं जाओगे। और जब तक मौला अली का एक पैगाम नहीं होगा ना आप वहाँ पे भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने याद किया, मैं ये कहती हूँ उन्होंने आपको याद किया और आप चले। बिल्कुल ऐसा है, वरना इंसान की कोई औकात नहीं, वरना कितने पैसे जमा कर लो कुछ भी कर लो, जब तक उनका बुलावा नहीं आता आप नहीं जा सकते। देखिए ना, दुनियावी एतबार से भी हजरत बैठे हैं, आप हैं या कोई भी हो, या वीनस एजडी ने आज मुझे बुलाया, अर्श भाई का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जब तक आपसे मेरा एक रब्ता नहीं हुआ और आपके चैनल की तरफ से मुझे बुलावा नहीं हुआ, मुझसे लाइनअप नहीं हुआ, मेरा इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता था। तो वो बारगाहे हैं कि बादशाहों के बादशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, तो कैसे इंसान बगैर बुलाया जा सकता है। ये करम नवाजी होती है, उनकी तरफ से इजाजत मिलती है तो इंसान, और जब कभी इंसान बैतुल्ला में भी दाखिल होता तो जब तक फरिश्ते दरवाजों पर नाम ना लिख दें उस शख्स का कि जिसको दाखिल होना है, जिस वक्त दाखिल होना है, तो वो दाखिल ही नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगी कि अल्लाह जब तक बुलाए ना आप जा नहीं सकते, जब अली ना बुलाए तो आप नहीं जा सकते। अगर आप, मैं आसद भाई आपसे खुद ही कहूंगी कि अगर आप कोई मनकबत कोई नात आप सुनाना चाहें तो प्लीज। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी जो मेरा भला करे, वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी मग़फ़िरत की दुआ करे, मुझे भूल जाए वो हश्र में, मेरे दुश्मनों की ये भूल है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ मरहब दुनीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तो क्या है और क्या है तेरे इल्म
کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ عمر اسد ایوب صاحب زبردست واقعی میں منظر علی کا ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہ تمام کائنات جو ہے وہ اس ہستی سے آگے جڑی ہوئی اور رہتی دنیا تک جڑی رہے گی اور ان کا ذکر ہمیشہ علم کی طرح بلند رہے گا ہمارے درمیان سیدہ یاور علی رضوی صاحب موجود ہے ذاکر اہل بیت اور میں چاہوں گی سر آپ خود علی کے اوپر جتنی بھی حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ کے پاس جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے آپ روشنی ڈالیے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام مومنین و مومنات کو حاضرین کو سامعین کو سب سے پہلے تو جشن مولود کعبہ بہت بہت مبارک ہو اور بارگاہ امامت میں وقت کے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے جد کا یہ پر نور دن اور ان کے ولایت علی ابن ابی طالب کے نزول کا دن ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ ان ہستی کا آج روز ہم منا رہے ہیں ان کے جشن کا دن منا رہے ہیں جو کسی عید سے کم نہیں ہے اور عیدوں کی عید بنی ہے علی کے آنے پر اور جیسا کہ شاعر نے کہا کہ برسوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا دنیا کا سر میری جانب جھکا دیا تیرا رجب کو بولا علی سے یہ کعبہ قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا تو یہ وہ ہستی ہیں جن کا تعارف کرانے کی ہماری تو حیثیت یا بساط نہیں ہے کہ ہم ان کا تعارف کرائیں کیونکہ وہ ہستی ہیں جن کا تعارف خود پروردگار کرا رہے ہیں خود رسول کریم کروا رہے ہیں تو کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے القابات ہیں عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ تو ظاہر ہے کہ جن کی پہچان ہی پروردگار خود کروا رہا ہے اور اپنے گھر میں ان کو نمودار کر رہا ہے ان کا ظہور کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم کے خزینے ہیں وہ مولا علی میں پوشیدہ ہیں اور ہم ان کے اوپر جتنا ذکر ہم کریں ہماری زندگی کم ہے اور ہم جو ہے وہ ذکر مولا کائنات علی ابن ابی طالب مکمل نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ اسد بھائی کو بھی میں مبارکباد دوں گا کہ وہ اس دروں پہ ہو کر آئے جہاں کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھانا لیکن ہمارے جد کی زیارت پر ضرور جانا اللہ ہمارے جد امام حسین کی زیارت پر ضرور جانا اور پھر مولا علی کے لیے کے در پر ہو کے آئے ہیں تو وہ باب علم ہے تو ان کو بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے اور پروردگار ہم سب حاضرین کو جو ہو کے آئے ہیں ان کو دوبارہ سے اور ہم لوگوں کو در علم کے اوپر جانے کی توفیق عطا فرمائے تو جیسے کہ یہ ابھی ہو کے آئے تو اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی آپ کو کہوں گا کہ امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب تمہارے دل میں علی کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور تمہارے چہرے پر مولا علی کا نام آتے ہی مسکراہٹ آ جائے تو اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو کہ اس نے تمہیں علی علی کرنا سکھا دیا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے وہ والدہ کے اوپر ہی ہے اور وہ میں آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا کہ علی باب العلی علی علم کا دروازہ جی 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 بالکل ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش پر خالق کی زباں کہتے ہیں وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی پالی جس نے وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی بانٹی جس نے جو کہنا سکھا دے علی علی اسے ہی تو ماں کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور اس سے جو علم آپ کو فیض حاصل ہوگا پروردگار اس کو بانٹنا نصیب فرمائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ظہور آج 13 رجب کو ہوا 13 رجب چاند کی تاریخ ہے ہم لوگ مناتے ہیں اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام کے لیے عالمین کے اوپر وہ امام العالمین ہیں رحمت للعالمین کے وصی ہیں تو وہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول خدا کے ہاتھ پر آ کر بولنا سیکھا ٹھیک ہے اور دوسرا جب اسلام کی انہوں نے دعوت دی تو پہلے ہی وہ تھے جنہوں نے کم سنی میں سب سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ جب رسول خدا نے کہا کون ہے وہ جو میری مدد کرے اور وہی میرا جانشین ہوگا
वही मेरा वसी होगा, वही मेरा परवरदिगार का वली होगा। तो मौला अली ने उठकर कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपके आपका साथ दूंगा और मैं आपके और इस्लाम के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। तारीख का जुमला है और काफ़ी तमाम मकतब फ़िक्र की किताबों में दावत ज़ुलशीरा का जिक्र है, उसके अंदर ये जुमला मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का लिखा है कि मैं आपके दुश्मनों की हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तो मकसद ये है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा से जो खड़ा हुआ उसका जवाब विलायत से ही दिया गया। जब जब किसी ने इस्लाम के ख़िलाफ़ सर उठाया तो वो डरा ही मौलाए कायनात के नाम से और उनके ज़िक्र से। तो मतलब ये कि आज जो 13 रजब हम मना रहे हैं ये चांद की तारीख है, और चांद नहीं था ये थे, चांद नहीं था ये थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरी मस्जिद के अंदर एक खुतबा दे रहे थे और उन्होंने कहा कुंतो नबियन व आदम व बैनल मायावतीन, कुंतो नबियन व आदम व बैनल मायावतीन, के मैं जब भी नबी था, जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरी महफिल में, असहाब की महफिल में फरमा रहे कि कुंतो नबियन व आदम बैनल मायावतीन, के मैं जब भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। ये रसूल खुदा ने 3 मरतबा उस महफिल में जुमला दोहराया, और इतने में दरवाजे से मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब मस्जिद में दाखिल होते हैं, वो कहते हैं कुंतो वलियन व आदम व बैनल मायावतीन, और मैं तब भी वली था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की विलायत जो है वो बादे तौहीद, ये 14 हस्तियां हैं जिनको परवरदिगार ने अपने नूर से खल्क किया। और जैसे कि काबा है, काबे के ऊपर एक शख्स ने आके इमाम मासूम से पूछा कि इमाम मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि परवरदिगार ने काबा क्यों बनाया। उन्होंने कहा काबा क्यों बनाया जब उसने उसमें रहना नहीं था, क्योंकि वो लामकाएं परवरदिगार लामकाएं, उसको मकान की क्या जरूरत है। इमाम ने फरमाया कि यहाँ जिस्म रहते हैं और जिस्मों के तवाफ के लिए काबा बनाया, अल्लाह इबादत के लिए काबा बनाया। तो उसने कहा कि इमाम ने फरमाया कि शबी है काबा, बैतुल्ला शबी है। तो वो कहने लगे कि जो है ना कि अच्छा तो असल कहाँ है। उन्होंने कहा बैतुल मामूर, ये बैतुल मामूर की शबी है। मौला बैतुल मामूर कहाँ है, कहा 4थे आसमान पे बैतुल मामूर है, उसी के बिल्कुल नीचे बैतुल्ला है। तो कहने लगा मौला वहाँ क्या होता है। मौला ने कहा यहाँ क्या होता है। कहने मौला यहाँ रुकू होता है, यहाँ सजदा होता है, यहाँ तवाफ होता है, तो यहाँ पे किबला रुख होके इबादत होती है। कहा वहाँ पे भी यही सब होता है। उन्होंने कहा कि वो कहने लगा कि अच्छा अब पता चला कि ये शबीह वो असल है। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया कि तेरी हैरत में इजाफा करूँ कि वो भी शबीह। मौला ने कहा कि वो भी शबीह। तो कहने लगा कि पर मौला ये बताइए कि यहाँ पे जिस्म तवाफ कर रहे हैं वहाँ पे वो नूर का बनाए, तो वहाँ पे नूर तवाफ कर रहे हैं। मौला ने कहा ये जिस्म खाकी लोगों के लिए खलकत इलाही के लिए और वो नूरी खलकत के लिए वहाँ पे नूर तवाफ करता है। तो कहने लगा मौला फिर असल कहाँ है, कहाँ उसी के ऊपर अर्श रहमान है। अल्लाह हू अकबर अर्श अज़ीम सुभान, कहा वहीं वहीं पे उसी के ऊपर अर्श रहमान है। तो कहा मौला वहाँ पे कौन होता है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसकी जुर्रत के वहाँ पहुँच सके, वहाँ तो या तो उसकी जात होती है या हमारी जात होती है, या उसकी जात का हम जो है मैं मुकम्मल कर दूंगा कि उसकी जात का तवाफ सिर्फ हम करते हैं, उसकी जात उसकी उसके नूर या तो उसका नूर होता है या हमारा नूर होता है। काम वाला वहाँ क्या होता है, काम वहाँ भी तवाफ होता है, वहाँ उसकी जात का हम तवाफ करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बहन क्या नाम है आपका और कहाँ से कॉल की? मेरा नाम सैयदा नौरीन दहरा जाफरी है फ्रॉम कराची। जी सैयदा नौरीन क्या पूछना चाह रही है? मैं पूछना नहीं आपकी शो की सबसे पहले तारीफ करूंगी कि माशाल्लाह आपका शो बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छा आपने शो ऑर्गेनाइज किया है 13 रजब के हवाले से। और उसके बाद सबसे पहली बात मैं आपसे ये करूंगी कि हमारी तरफ से मतलब पूरे कराची वालों की तरफ से, तमाम मोमिनीन की तरफ से और आपकी पूरी टीम को, आपके गेस्ट को मौलाना की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों का शो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, प्लस आपकी जो पहले जाकर आई थी आई थिंक महपारा, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं आपका शो कब से देख रही हूँ, मीन सुबह से ही आपके शो का वेट कर रही थी। तो माशाल्लाह आपका शो बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छा लगा। और आपने जो मनकबत ख्वाब बुलाए आसिम रिजवी,
उनकी वॉइस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने शो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी तारीफ की, और हम हमारी पूरी टीम की तरफ से और मेरे मेहमानों की तरफ से आपको मौला अली की विलादत बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, और माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है, मौला आपको इस मतलब जो आपने काविश करनी है इसके लिए मौला आपको बहुत आगे तक ले जाए और आपके शो को कामयाब करे, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आमीन आमीन सुमा, इस प्यार का, इस दुआओं का बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की मोहब्बत है। अच्छा जी, मैं बात करूंगी मेरे प्यारे भाई अखलाक नूरी साहब, और आप हमारी सारी गुफ्तगू सुन रहे थे और बड़ा यूं यूं मेरा भाई झूम रहा था, और वाकई में झूमने का दिन है, क्यों नहीं झूमेंगे हम, आज मौला अली की विलादत है, जश्न विलादत है, ईद का समय है, सब लोग बहुत खुश हैं, और मेरे प्यारे भाई आप कुछ बात भी करें और हमें एक अच्छी सी नौत भी सुने, नाते सब अच्छी होती है, बस अपने खूबसूरत आवाज में सुनाएं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले तो यकीनन शुक्रगुजार भी आप लोगों का भी, रब करीम का भी, कि उसने हकीकतन जैसा हमारे असद भाई ने भी कहा कि उसने ये तौफीक अता फरमाई कि यहाँ पर बैठकर हम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जिक्र खैर कर रहे हैं। अच्छा, पूरा ये जो मैं अभी प्रोग्राम सुन रहा था या मैं ख़ुद भी जो मौजूद था, तो मौला मुश्किल कुशा की बहादुरी की बात करी, शुजात की बात करी, एक करामत बयान करता हूँ मैं आज करामत के मुतालिक, किताबों के अंदर आता है कि एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम मौजूद थे, तो कुफार सामने मौजूद थे, तो एक मरतबा एक भिखारी कुफार के पास आए और ये समझे कि अपना दस्ते सवाल दराज करा, यानी कुछ मांगा, तो कुफार ने एक मजाक उड़ाने की नीयत से मौला कायनात की तरफ इशारा करा कि इनके पास जाओ, देखते हैं ये क्या करते हैं। अच्छा, क्योंकि बज़ाहिर मौला मुश्किल कुशा एक गरीबी की ज़िंदगी में थे, कहने तो कायनात उनके कदमों में था, इशारा करते थे तो दुनिया की काया पलट जाया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुफार इस जहन से कि इनके पास तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, देखते हैं आज काफिर के साथ हमारा हम यानी मजाक उड़ाते हैं किस तरह से, तो भिखारी को भेजते हैं, तो मौला मुश्किल कुशा उस वक्त कुछ जिक्र कर रहे होते हैं, भिखारी आता है और अपने हाथों को दराज करता है और कुछ मांगने का इशारा करता है, तो मौला मुश्किल कुशा उसे कहते हैं कि अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, वो भिखारी मुट्ठी को बंद करता है, हज़रत अली रदिल्लाहु ताला ने दुरूद पाक पढ़कर उसकी मुट्ठी पे दम कर देते हैं और बोलते हैं कि इसको उन्हीं के सामने जाके खुलना जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। अब काफिर दूर से बैठ के देख रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि दम करने से, फूंक मारने से भला क्या होता है, लेकिन उनको नहीं पता कि फूंक मारने वाली जात कौन है, उनको नहीं पता कि जिक्र करने वाली जबान किसकी, उनको नहीं पता कि जिक्र करने वाली शख्सियत कौन सी थी, कि जो फूंक मारती थी तो मुट्ठी के अंदर क्या से क्या हो जाया करता था। तो वो शख्स जो भिखारी होता है कुफार के सामने जाता है और बंद मुट्ठी को खोलता है, तो किताबों के अंदर लिखा है कुफार ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस बंद मुट्ठी के अंदर फूंक मारने से रब्बे करीम ने दिनार डाल दिए थे। सुभान अल्लाह। तो उसी वक्त किताबों के अंदर आते हैं कि कुफार आप रदिल्लाहु तआला की करामत देख कर दार इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह की एक नहीं कई करामत अल्हम्दुलिल्लाह मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रदिल्लाहु तआला से मंसूब है अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूद है, और ये भी आप ही की करामत है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी पूरी कायनात आपका दिन मना रही है, दिन मनाने के साथ साथ खुशी का इजहार करिए, और क्यों ना मनाए कि मौला मुश्किल कुशा है, ताइदारे कायनात है कि अल्हम्दुलिल्लाह दामाद है, तो यकीनन ये हक भी है और ये कयामत तक आपका जिक्र खैर होता भी रहेगा इंशाल्लाह। तो आपकी शान के अंदर दो अशआर पेश करता हूँ, इंशाल्लाह आगे चलते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। मुबारक हो अलीउल मुर्तजा आए, 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 हबीबे मुस्तफा बनकर इमामुल औलिया आए, हबीबे मुस्तफा बनकर इमामुल औलिया आए, मुबारक हो अलीउल मुर्तजा आए, जनाबे फातिमा बिनते
असद की गोद में देखूं, जनाबे फातिमा बिनते असद की गोद में देखो, वो आए जिनको देखे तो सुकून आए मजा आए, वो आए जिनको देखे तो सुकून आए मजा आए। मुबारक हो मुबारक हो अलीउल मुर्तजा आए, अबू तालिब के आंगन में निराला चांद निकला है, अबू तालिब के आंगन में निराला चांद निकला है, कि जिसको देखने देखो कि जिसको देखने देखो मोहम्मद मुस्तफा आए, कि जिसको देखने देखो मोहम्मद मुस्तफा आए। मुबारक हो मुबारक हो अलीउल मुर्तजा आए। सुभान अल्लाह सबको बहुत मुबारक हो, क्योंकि 13 रजब है, मौला अली की जो है विलादत है, और हम सब बड़ी खुशी से मना रहे हैं। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदेद, और मेरे प्यारे प्यारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, नात ख्वां भी हैं, स्कॉलर भी हैं, और हम मौला अली का जिक्र कर रहे हैं और बड़े खुशी से करें, क्यों ना करें, क्योंकि आज मौला अली की विलादत है, जश्न विलादत है, ईद का समा है। और इस वक्त मैं सुनना चाहूँगी आसिम जैदी से मनकबत। आसिम जैदी अब जी आप सुनाइए। जज़ाकअल्लाह बहन जी, एक दफ़ा मिल के मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, न भूल कर भी किसी का नफ्स किसी का वसी किसी का कफी, ये सब सिफात हो जिसमें उसे की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, न भूल कर भी फरिश्तों कैसा सवालो जवाब तुर्बत में, अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो, अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, है वक्त नज़र का बाली पे आए हैं मौला, है वक्त नज़र का बाली पे आए हैं मौला, कहाँ की मौत बस अब जिंदगी की बात करो, कहाँ की मौत बस अब जिंदगी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसे की बात करो।
आसिम रिजवी, बहुत ही प्यारी मनकबत इन्होंने हमें सुनाई और बस आपने एक माहौल बना दिया, अली का जिक्र करो, बस अली का जिक्र करो, इसमें कोई शक नहीं। मैं असद भाई से बात करूंगी और असद भाई एक नात भी हो जाए, और लेकिन थोड़ी सी कुछ बात कहना चाहेंगे आप। माशाल्लाह से, क्योंकि देखे ना, ये तो जिक्र वो है कि जितना किया जाए कम है, कम। और हम क्या उनकी शान बयान करेंगे, हम तो उनका नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बुलंदियाँ अता करता है, ये तो हमारे लिए बाइस सआदत है। और कितना मुबारक दिन है कि हज़रत मौला अली रदिल्ला ताला, हज़रत मौला अली रदिल्ला ताला की विलादत का दिन है। और सईदा फातिमा बिनत असद रदिल्ला ताला अन्हा फरमाती है कि जब मौला अली की विलादत हुई जी, तो विलादत हो गई लेकिन आँख नहीं खोल रहे थे आप। अच्छा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे की विलादत हुई है लेकिन आँख नहीं खोलते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया मौला अली को, और अपना लुआब दहन मौला अली को घुट्टी दी, चटाया, तो मौला अली ने आंखें खोली। सुभान अल्लाह। तो गोया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली ने जब अपनी आंखें खोली तो पहला दीदार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं ना कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मौला अली की, क्या शान। और फिर जैसा कि हजरत ने फरमाया कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली रदिल्लाहु तआला, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 बरस थी जब मौला अली की विलादत हुई। तो जब ऐलान नबूवत हुआ तो मौला अली 10 बरस के थे, तो सबसे पहले ईमान लाए बच्चों में। तो क्या शान है उनकी, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों मौला अली पर, उनकी पूरी आल पर, उनके पूरे खानवादे पर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आने वाली नस्लों को भी उनके दामन से वाबस्ता रखे। आमीन, आमीन। उनका बेअदब पैदा ना हो, अल्लाह ताला हमारी आल में भी बेशक नात हो जाए। एक नात शरीफ तो दुरूद की सूरत में मैंने पढ़ लिया, पहले दुरूद शरीफ पढ़, बिल्कुल हुजूर का जिक्र और मौला अली का जिक्र, ये जिक्र अहले बैत की है, तो हुजूर के अहले बैत का जिक्र भी हुजूर की तारीफ ही है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, जो कुव्वत बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है, जो कुव्वत बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है, जो कुव्वत बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है, नगर नगर है, गली गली है, नगर नगर है, गली गली है, अली अली 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 है, जो कुव्वत बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है, किसी ने राजी किया खुदा को, तो मांगा मुझको अली बना दो। सुभान अल्लाह। किसी ने राजी किया खुदा को, तो मांगा मुझको अली बना दो। अली नहीं सिर्फ बू अली है, अली नहीं सिर्फ बू अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है, नगर नगर है, गली गली है, अली अली है, अली अली है, नबी की घुट्टी मिली है जिनको,
नबी की घुट्टी मिली है जिनको लुआब सरवर जिन्होंने पाया अली को गोदे नबी मिली है अली को गोदे नबी मिली है अली अली 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 है नगर नगर है गली गली है अली अली है अली अली है अली के हमको बड़े सहारे है नाम लेवा सभी तुम्हारे वो कादरिया कलंदरी है वो कादरिया कलंदरी है अली अली 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 है जो कुव्वते बाज़ुए नबी है अली अली है मौला अली है नगर नगर है गली गली, गली, गली है अली अली वो अली अली है अली अली है मोहम्मद असद अयूब साहब ने तो समा बांध दिया क्या बात है दिल खुश हो गया तो ऐसा लग रहा था कि हम सब के दिल से एक आवाज निकल रही है वो सिर्फ मौला अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम हमने मौला अली के दरबार में भी पढ़ा था सहन में तो जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो पूरी दुनिया के ज़ायरीन मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले सब जमा हुए थे तो सब जब मौला अली का जिक्र आ रहा था ना सब झूम रहे थे और हम सब अपनी बहुत खुशनसीबी महसूस कर रहे थे कि आज मौला अली के रूबरू उनको ये कलाम सुनाने की क्या बात है। और मेरे प्रोग्राम का हो गया वक्त खत्म मैं सब प्यारे प्यारे जो भाई यहाँ पर तशरीफ लाए हैं इन सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ असद भाई आपका आसिम भाई आपका और मेरे प्यारे भाई अखलाक भाई आपका सैयद यावर अली साहब आपका और जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैं अपने भाई आसिम रिजवी से कि वो अपनी मनकबत रेडी रखे मैं जब अपनी नाज़रीन से थोड़ी सी बात करूँ फिर आप पर ख़त्म करते हैं ठीक है तो बात करूँगी मैं आज बहुत बड़ा दिन हमारे लिए एक पैगाम है मौला अली शहनशाह मौला कायनात जिन्होंने अपनी अपनी जान का उनके एक एक पूरे कुंबे का उनकी बेटियों का उनके बच्चों का एक ऐसा पैगाम जो रहती दुनिया तक जब तक दुनिया कायम और दायम है मौला अली का अलम हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह। और मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त लेकिन जाते जाते आसिम साहब जो हैं वो मनकबत सुनाएंगे बेकसों के मददगार मौला जिस तेरे कोई अपना सहारा नहीं तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ गैर का दर जब को गवारा नहीं आए है। यही बात जो अली का नहीं वो नबी का नहीं जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं ए मुसलमान असहाब से पूछ ले क्या ये खुम में नबी ने पुकारा नहीं ए मुसलमान असहाब से पूछ ले क्या ये खुम्मे नबी ने पुकारा नहीं और आए काबे में जिस दम अली के कदम मुंह के बल गिर पड़े बुत ये कहते हुए आइए जानशीन नबी ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं आइए आइए जानशीन नबी
ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं। और वो तो कम ज़र्फ है जो तुझे छोड़ दे, वरना मौला अली तेरी ताज़ीम को जो पलट कर ना आए वो सूरज नहीं। जो ना चौखट को चूमे वो तारा नहीं। जो पलट कर ना आए वो सूरज नहीं। जो ना चौखट को चूमे वो तारा नहीं। और अपने का आखिरी कलाम है, या तो रोजे पे बुलवा लो शाह नजफ, या हो बाली पे मुझको यहाँ दीदगी आ रही है दिलों से मुसलसल सदा। अब रजा का गुजारा नहीं। मोहम्मद वाले।